एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 5 हिंदी पाठ 5 जहां चाह वहां राह। प्रिय बच्चों, आपने अपने आसपास ऐसे बच्चे और लोग देखे होंगे जो आपकी तरह ही सामान्य रूप से कार्य करते हैं। उन्हें अपना कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें अपना दैनिक कार्य पठन पाठन करने के लिए मदद की आवश्यकता पड़ती है। इस पाठ में हम एक ऐसी ही लड़की के बारे में जानेंगे जो आपकी और मेरी तरह सामान्य नहीं है, फिर भी उसने अपनी रचनात्मकता और कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा के कारण परिस्थितियों के समक्ष हार नहीं मानी। आइए जानते हैं इला सचानी के बारे में। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूफले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की नीबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जम कर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किसी तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ा के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था।
इला ने कठियावाणी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं है। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूफली बूटियां उकेरते थकती नहीं है।